सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। तो अभी लगभग बज चुके 9:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद आज की जो एक्टिविटी है, पहले जाएंगे जैसलमेर फोर्ट, बाद में मार्केट वगैरह घूमेंगे और बाद में एक हॉन्टेड प्लेस है और कुलधारा, वहाँ पे भी जाएंगे। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं दोपहर को डेजर्ट सफारी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज एक दिन और रुके हैं। तो ठीक है, तो अभी जाते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो हमने लास्ट लिया, तो आज के नाश्ते में कुछ ब्रेड, पोहा और उपमा तो खा लिया था, आज ब्रेड और पोहा खाएंगे। सेट राइट ना, अभी जहर भी रेडी हो रहा है। अभी बज चुके हैं 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। फर्स्ट अपना पॉइंट वहाँ यही है जैसलमेर फोर्ट, यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है वो। गूगल मैप बता रहे 40 मिनट्स, बट हम लोग पहुँच जाएंगे, देख रहे हैं, देखेंगे। तो अभी मैं चला रहा हूँ जहर की बाइक RR 310। देखते भाई साहब बहुत वेट है भाई। ओके होले होले, इसका पोस्चर बहुत ऐसा झुका हुआ है आगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे फोर्ट के उधर। ये फोर्ट देखो, यहाँ पे भी ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेन दरवाज़ा। अंदर बाइक्स अलाउड है, विच इज़ वेरी, ओ माय गॉड ऑसम ब्रदर। तू किधर गया अबे? जैसलमेर फोर्ट। अभी 500 लिखा है, मतलब 100 है ना, पर 10 ईयर्स के अब। जा रहे कि पता नहीं, बस जा रहे दिस वे। यहाँ पे त्रिपोलिया दिखाया, पे त्रिपोलिया structures. Oh.
कोई मशीन यूज नहीं है, पूरा हैंड वर्क है। ये समय लगता था क्योंकि वेरी नॉरम बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, वेरी सॉफ्ट, तो इसको आसानी से टूटता है। लेकिन इसको बहुत धीमी गति में करोगे तब बनेगा। जो जैसलमेर का जो कारीगर था, इनका जो मन का पेशेंस है वो दिखाया गया है। ये पीछे देख रहे हो, ये मेन गेट है, वहां से हम लोग अभी आए। और ये व्यू देखो बाजू में, जबरदस्त पूरा फोर्ट है ये। तो अभी हम जा रहे हैं रानी के महल में। चलो हमने भी महल देख के आ गए। अभी यहाँ पे कुछ तो एक सिटी पॉइंट करके जहाँ से सब पूरा सिटी दिखेगा। तो अभी हम लोग सिटी पॉइंट देख के आए। बहुत गर्दी है यार वहाँ पे। वहाँ पे एक बड़ी तोप भी है, तोप पे सब लोग बैठे हैं, क्या बोलेगा। और ये देखो यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे आपको सब राजस्थानी कपड़े वगैरह से कुछ मिल जाएंगे। सही है। Two hours later. आया हूँ यहाँ पे सुजुके शोरूम में जैसलमेर में। ये हमारे, आपका नाम क्या? अनुज। अनुज, अनुज भाई हमारी बाइक को देख रहे हैं, कुछ ट्यूनिंग का ही प्रॉब्लम है और चेन का भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे करके हम लोग जाएंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुकेश। ये भी सुजुकी में काम करते हैं, मुकेश भाई हमारे। तो अभी बज चुके 3:30 और यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है मेरे बाइक का। इंजन ऑयल पूरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि वहाँ पे पूरा लीकेज हो रहा था। तो हम लोगों ने गाड़ी सुजुकी सर्विस सेंटर में दी है, वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, नया इंजन ऑयल भी डलवा रहे हैं और वो पैकिंग भी पूरा सील कर रहे हैं। A few moments later. 5 बजे हम और डिजर्ट सफ़र थी, वो 4 बजे हमको यहाँ पे आना था। लेकिन आपने तो देखा पूरा गाड़ी की मेरी बैंड बजी पड़ी हुई थी। थैंक यू टू क्या नाम, सूजय है ना, उन्हीं की वजह से मेरी बाइक जो क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आई थी बाइक में, क्योंकि इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका था। ऑलमोस्ट 50 लीटर समथिंग बस बचा था, 50 ml। और अगर मैं उसी वही गाड़ी अगर वहाँ से मुंबई को लेके जाता तो इंजन सीज होने का चांस था और मैं हम लोग बीच में लटक जाते। उनकी बदौलत हमने वो सब कुछ करवा लिया। थैंक्स टू यू, अब देख रहे हो तो। और सबसे बड़ी बात पचा हम लोगों ने अभी कि ये डिजर्ट सफारी मिस ना हो, इसके चक्कर में 50 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट किया हम लोगों ने। 20 मिनट में इतने भागा के लगे हम लोग गाड़ी। और मेरा तभी बैटरी भी ओप्पो का लो हो चुका था, तो मैंने सब यहाँ पे चार्जिंग लगवा के रखा है। जैसे यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बताया कि आप और 10-20 मिनट रुको, उसके बाद हम सब लोग वहाँ पे डेजर्ट सफारी में जाने वाले। और ये सुन के मेरी जान जल गई, क्योंकि उसकी चक्कर में हम लोगों ने एक छोड़ के आए। हाँ, वो है कुंदाना यार, वो 100+ वो तो करना था। तुझे बोला था कॉल कर तू करके, एक बार पूछ ले। वो जैसलमेर के रूट के बीच में ही है, पर 25 किलोमीटर रहेंगे तो जाएंगे, फिर से आधा घंटा लगेगा, ज्यादा रहेगा। 39 रहेगा कुछ तो। अच्छा। 39 है क्योंकि वो बीच में पड़ता है जैसलमेर के उधर। सो अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि मुझे मोबाइल भी चार्ज करवाना है और फिर जाते हैं डेजर्ट सफारी करने और वो करते हैं वहाँ पे धमाल। चलो
तो अभी हो गई जीप सफारी, मजा आ गया यहाँ पे। अब ये लोग, ये कैमल दिख रहे हैं, उनके साथ जाने वाले हम दोनों, ये दोनों उधर और वो। आप लेके जाने वाले हो, आपका नाम क्या है? क्या? पठान खान। पठान खान आपके क्या ऊँट? हमारे पठान खान की ऊँट है। गिरा करते नहीं ना? नहीं नहीं, एक बार गिरे। बार गिरेगा? वाह, अरे मेरे को टेंशन आ रहा है अभी। हाँ, जो गोवा में नहीं कर सके पकड़ रहे हैं किसको, जो दमन में नहीं कर सके या जैसलमेर में कर रहे हैं हम लोग। अरे बाप रे, बहुत बड़ा बाउंस हो गया भाई। फाइनल सब कुछ हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं कैंप। ये जो कैंप है ये इन दोनों भाइयों का है, इनका नाम है मुराद भाई और ये है कासम भाई। तो ये जो हुआ एकदम मज़ेदार कैंप था और इन्जॉयमेंट तो भरपूर ज़्यादा, मतलब भरपूर से ऊपर एकदम। और अभी हम लोग जा रहे हैं और इन्होंने जो हमारे लिए जो किया है, मतलब रहने का इंतज़ाम, हॉस्पिटलिटी बोलो, मतलब एकदम बोलते ना दोस्त और एक भाई की तरह वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट हम लोग को मिला, बहुत मज़ा आ गया। और ये यहाँ पे जो है ये कौन सा है, कासम डेजर्ट सफारी कैंप। तो यहाँ पे आना, यहाँ पे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इंस्टाग्राम पे का इंस्टाग्राम पर भी लिंक दे दूंगा, तो फॉलो करो और इन्हें कांटेक्ट करो और डायरेक्टली कांटेक्ट से आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। और आप बिल्कुल बिल्कुल सर, और जैसलमेर अगर आओ, हमारे पास सफारी नहीं की तो जैसलमेर आने का कोई मतलब नहीं। आपने देखा ही रहेगा कैसा, मतलब वो जीप क्या ड्रिफ्ट मार रहे थे यार, मतलब होश उड़ा गए हम लोग के, मेरे तो हाथ दर्द करने लगे पकड़ गए। तो दैट्स फॉर दिस टुडेज गाइस, अभी हम लोग कैंप जाते हैं और वहाँ पे बातें करते हैं, चलते। तो अभी बज चुके हैं रात के 10:45 और हम लोग अभी सोए थे, पर अचानक से याद आया कि वीडियो एंड किया ही नहीं। तो एक्चुअली ये हमारी जैसलमेर की लास्ट रात है, तो बहुत बुरा भी लग रहा है और अभी घर पे जा रहे हैं तो उसलिए अच्छा भी लग रहा है। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देर बाय, अरे आओ तो सही। सो लिव योर लाइफ एंड चेस योर ड्रीम्स। गुड नाइट। गुड नाइट। तो इस ऊंट का नाम है लक्की, नाम है लक्की। और पिछले बार ये जो पीछे देख बैठा है, देखो ये मुझे ना फोटो में शेंडी लगा रहा है पीछे से, इसने ना पीछे अपनी शेपुट मेरे को मार रहा है। हाँ, इसने उसकी शेपुट फाट करके मारी उसे टकले पे।